अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज, आप सबका अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। मायसेल्फ अपर्णा सिंह आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड। मैं बता दूं कि चैप्टर 6 का पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही आप लोगों से डील कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो अभी जाके देख लें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड आई बटन पे भी आपको पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के बाद आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा, यानी एंटरप्रेन्योरशिप का आपका पार्ट फर्स्ट का यहां से कंप्लीट हो जाने वाला है। आपके एंटरप्रेन्योरशिप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एंड फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर तक आपको पढ़ना है, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट फर्स्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे बीएसटी या फिर इकोनॉमिक्स में से कोई एक। तो आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए या बीएसटी या इकोनॉमिक्स, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जिस पे ज़्यादा वोटिंग होगा मैं उसको पढ़ाऊंगी या फिर वो सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, बीएसटी या फिर इको। तो मैं बता दूं कि चैप्टर 6 का लास्ट 5 टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी आसान हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट है बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन रचना का निर्माण। सेकंड है हमारा कलेक्टिंग द फाइनेंसेस, यानी वित्त व्यवस्था। थर्ड हमारा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय का प्रारंभ। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय का विस्तार। फिफ्थ टॉपिक हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक ये है चैलेंजेस फेस्ड बाई एंटरप्रेनर, यानी उद्यमी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ। ये 5 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक क्या है? बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना का निर्माण। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा क्या होगा। फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरटेकिंग, यानी उपक्रम का वैधानिक संगठन। आपको सोचना होगा कि आपका उपक्रम किस वैधानिक संगठन पर चलेगा। अगर आपको चाहिए कि आपके उपक्रम में ज़्यादा रूल्स नहीं हो, ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं हो, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हो, तो आप कहाँ जाओगे? सोल ट्रेडिंग में, यानी एकल व्यापार में। इसमें ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। अगर आपको चाहिए कि आप पार्टनरशिपिंग में काम करोगे, तो आपको किस में जाना होगा? पार्टनरशिप में, यानी साझेदारी में। इसमें लोग क्या करते हैं, आपको अपने पार्टनरशिप के साथ सब कुछ बात बताकर एक साथ चलना होता है, ठीक है। ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फॉलो करनी होती है पार्टनरशिप में। अगर आपको चाहिए कि आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो, तो आप कहाँ जाओगे? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का हिंदी संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी इसमें अब क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज आती हैं वो मैं बता दूँ आपको। फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सीमा नियम, यानी सबसे पहले आपको अपने कंपनी का स्ट्रक्चर बनाना होता है कि आपका कंपनी किस प्रकार का होगा, ढांचा तैयार करना होता है, ठीक है। सेकंड क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी अंतर नियम। अब आपको अंदर के आपके कंपनी के अंदर कौन कौन सा रूल्स होगा, कौन कौन सा रेगुलेशंस होगा, वो सब एक चार्ट बनाना होगा कि किस नियम पे आपका कंपनी आगे काम करने वाला है। ये सिर्फ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए है। थर्ड है रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण। अब आप गवर्नमेंट को भेजोगे कि हाँ मैंने ये सब लिख के बता दिया आपको, अब आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था आपको कि आपको सब कुछ नो डाउन करके सरकार को देना होता है, तब गवर्नमेंट क्या करती है, आपके कंपनी को रजिस्ट्रेशन देती है, ठीक है। थर्ड ये है रजिस्ट्रेशन। एंड फोर्थ, अगर आप गवर्नमेंट ने आपके कंपनी को रजिस्ट्रेशन दे दिया, तो आपको अपने कंपनी के लिए सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, यानी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना। अब किसी भी एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस का स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ रिसोर्सेज का नीड्स होती हैं, तो वो सारी रिसोर्सेज को वो कलेक्ट करके लाता है। यही हमारा टॉपिक सेकंड है। अब वो कौन कौन सी रिसोर्सेज लेकर आता है? फर्स्ट है बिल्डिंग, यानी भवन। सेकंड क्या है? प्लांट एंड मशीन, यानी मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, ये सब। थर्ड क्या है? लैंड, यानी जमीन। फोर्थ क्या है? लेबर, यानी श्रम चाहिए। एंड फिफ्थ क्या है? इलेक्ट्रिक एंड वाटर, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो सबसे पहले ये सब को कलेक्ट करके लाता है, तभी बिजनेस स्टार्ट होता है। ये सब बेसिक नीड्स हैं, ये सब लाओगे रिसोर्सेज तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक फर्स्ट। अब चलते हैं टॉपिक सेकंड की तरफ। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? है कलेक्टिंग द फाइनेंस, यानी वित्त व्यवस्था। अब ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नीड्स की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल नीड्स होती है। तो अब कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से लाता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वो हमें जानना है। फर्स्ट क्या है? पर्सनल फाइनेंस रिसोर्सेज, यानी स्वामित्व पूंजी स्रोत। मतलब क्या कि अगर बिजनेसमैन अपना खुद का पैसा लगाता है, वही क्या है? पर्सनल फाइनेंस रिसोर्सेज। अगर आपका सोल ट्रेडिंग है, तो जो सोल ट्रेडिंग का मालिक है वो अपना पैसा लगाता है, उसको बोलेंगे पर्सनल फाइनेंस रिसोर्सेज। अगर पार्टनरशिप में है,
तो जो आपके पार्टनर्स हैं वो अपना कैपिटल लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे उनके पार्टनरशिप के लिए, यही क्या हो जाएगा हमारा पर्सनल फाइनेंस रिसोर्सेज। एंड जो हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें जो अंशधारी होते हैं, जो आपको पैसा देते हैं, वो अपना पैसा लगाएंगे, तो वो क्या हो गया हमारा पर्सनल फाइनेंस रिसोर्सेज। मतलब सिंपल बात, हम अपने बिजनेस के लिए खुद से पैसा लगाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हिंदी में स्वामित्व पूंजी स्रोत। सेकंड क्या है, लोन रिसोर्सेज यानी ऋण पूंजी स्रोत। अब बहुत सारे बिजनेस के लिए बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, लोन लेता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कहाँ कहाँ से लोन लेगा ये भी दिया हुआ है। फर्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। आप सरकार से भी लोन ले सकते हो कि हाँ मुझे बिजनेस चलाना है, सरकार भी बहुत सारी कंपनियों को लोन देती है। सेकंड क्या है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हिंदी में उसका है वित्त निगम। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऐसी सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि बिजनेसमैन को पैसा देती हैं बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। एंड क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनल बैंक भी बिजनेसमैन को पैसा देती है अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक सेकंड। इसमें हमने जान लिया कि बिजनेसमैन कहाँ से पैसा लेकर आता है बिजनेस में लगाने के लिए। इससे पहले हमने क्या जाना कि बिजनेसमैन को अलग अलग कंपनियों में कौन कौन सा रूल्स फॉलो करना होता है। अब थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय का प्रारंभ। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये मैंने आपको बार बार बताया है कि बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आपको चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। आप सोचोगे कि आपका लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ से बनेगा, आप खुद बनाओगे, किसी प्राइवेट एजेंसी को दोगे, सरकार के द्वारा लोगे, ये सब स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपका जो बिजनेस जहाँ सेटअप होगा उसके बारे में सब कुछ देखोगे कि वो एरिया कैसा है, वो क्षेत्र कैसा है, मतलब क्या है कि आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है उसमें जो जो आपको काम करना होगा वही क्या है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय का प्रारंभ। मैंने आपको पहले बता चुका है ये टॉपिक। अब क्या है हमारा थर्ड टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय का विस्तार, यानी अब आपका बिजनेस बढ़ता कैसा है, ठीक है, किस तरीके से बढ़ता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये नहीं बताएंगे कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ये पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये बताएंगे कि आपके बिजनेस में ये बाधा कौन डालता है, हर्डल कौन लेकर आता है, ठीक है। आपका बिजनेस अगर ग्रोथ कर रहा है ठीक है, लेकिन ग्रोथ में वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम्स को हमें पढ़ना है। फर्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंध। अब रिस्क भी बहुत सारे आती हैं एंटरप्रेनर को, हो सकता है कि आपके कस्टमर का अचानक से मांग चेंज हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए, ठीक है, डिज़ाइन आपको आपका किसी को पसंद नहीं आया हो, हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का ना बना हो, लोग ना खरीदें उसको, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको कंपनी में आपको लॉस मिले, हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स जहाँ से आपको मिल रहा है वहाँ से नहीं मिल पाए, तो बहुत सारी रिस्क होती हैं आपको देखना होता है। ये रिस्क मतलब क्या, आपको आपके ग्रोथ में हर्डल लाएंगी, आपके ग्रोथ में बाधा पैदा करती हैं रिस्क, ठीक है। सेकंड क्या हमारा है, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ कैपिटल यानी विकास पूंजी की आवश्यकता। अब एंटरप्रेनर को ग्रोथ कैपिटल भी चाहिए, तो एक वर्ड आ रहा है ग्रोथ कैपिटल। अच्छा, ग्रोथ कैपिटल में और कैपिटल में अंतर क्या है, अंतर है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड आपने जो कैपिटल लगाया, आपने जो पूंजी लगाया, ग्रोथ कैपिटल का हिंदी में बता देती हूँ आप लोगों को, विकास पूंजी, ठीक है। तो अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है एंड आपने कोई कैपिटल लगाया, वो हो गया सिंपल कैपिटल, आपने पूंजी लगा दिया, ठीक है। अब आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, अब आपको उतनी पूंजी से आपका काम नहीं चलेगा, आपको और ज़्यादा कुछ लगाना होगा, इनपुट लगाना होगा, और ज़्यादा पैसा लगाना होगा बिजनेस में, वही क्या है ग्रोथ कैपिटल, यानी आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए जो पहले आपने कैपिटल लगाया था उससे थोड़ा इंक्रीज करके ज़्यादा कुछ लगाना, यही है ग्रोथ कैपिटल, ठीक है। तो आपके बिजनेस में ग्रोथ कैपिटल भी चाहिए ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ता रहे। ये नहीं कि आपने 5 रुपये लगाया एंड हर एक साल 5 रुपये लगाओगे, नहीं, आपके प्रॉफिट के अनुसार आप अपना कैपिटल बढ़ाओ, आज 5 लगाए कल 10 लगाओ, ठीक है, जितना कैपिटल लगाओगे उतना आपको प्रॉफिट अर्निंग होगा। अब क्या है प्राइस पॉलिसी यानी मूल्य नीति। तो एंटरप्रेन्योर को सोचना होता है कि उसका प्रोडक्ट किस प्राइस पे बिकेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, ये सब कुछ सोचना ही क्या है प्राइस पॉलिसी। अब क्या है फोर्थ हमारा एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन यानी विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। तो दो वर्ड आ रहा है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। तो आपको देखना होगा कि आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरीके से मार्केट में पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण किस तरीके से होगा, आप भेजोगे किसी एजेंट के द्वारा भेजवाओगे या फिर होलसेलर के द्वारा भेजवाओगे, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब एडवर्टाइजिंग आपको पता है यानी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाना, प्रमोशन करवाना ही क्या है एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोगों की नज़र में आपका प्रोडक्ट आ जाए। फिफ्थ क्या है प्रॉफिट प्लानिंग एंड एक्सपेंसेस कंट्रोल।
लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, तो आपको देखना होगा कि आपके कंपनी में आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है, कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्या उतना मिल रहा है आपको, ये कुछ सोच सब कुछ प्रॉफिट के बारे में सब कुछ सोचना है, क्या है प्रॉफिट प्लानिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या हमारा एक्सपेंस कंट्रोल, यानी अब आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेंस करोगे, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा एक्सपेंस, कम प्रॉफिट कम एक्सपेंस। अब क्या है सिक्स टॉपिक, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल गोल्स, यानी सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति। किसी भी बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका समाज आपका सोसाइटी उसे सेटिस्फाई रहे। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि आपके सोसाइटी के अगेंस्ट है, आपके समाज के विरोध में है, तो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो सिंपल बात कि आपका समाज क्या चाहता है, वो चाह रहा है, उसको क्या मिल पा रहा है, ये सब सोचना ही क्या है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल गोल्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, चैलेंजेस फोर्स्ड बाय एंटरप्रेनर, यानी उद्यमी द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं जो कि एक एंटरप्रेनर को फेस करना होता है, हमें वो पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेज। अब स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड लास्ट फाइनल स्टेज। तो वो स्टेजेस भी प्रॉब्लम आती रहती हैं। फर्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम मतलब क्या, क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, नए बाजार का सृजन। अब फर्स्ट स्टेज में एंटरप्रेनर को क्या करना होता है, सब कुछ सोचेगा कि क्या उसके बाज़ार किस टाइप का रहेगा, ठीक है, उसके बाज़ार में लोग क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, क्या उसका प्रोडक्ट बाज़ार में बिक रहा है, बिकेगा, उसका प्रोडक्ट बाज़ार में पसंद किया जा रहा है, ये सब कुछ सोचना क्या है बाज़ार के बारे में सृजन, यानी मार्केट के बारे में पूरा स्टडी करना ही क्या है मार्केट स्टडी, यानी क्रिएशन ऑफ अ न्यू मार्केट। ये भी एक रिस्क है, ये भी एक प्रॉब्लम है, एंटरप्रेन्योर को सब कुछ सोचना पड़ता है मार्केट के बारे में कि क्या उसका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेज, यानी ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन को व्यवस्थित करना। अब सेकंड स्टेज में एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टार्टअप दे देता है कि हाँ अब आप मेरा बिजनेस इस तरीके से चलेगा। उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस तरीके से आपने बोला चलने के लिए, क्या आपके लोग उस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है। थर्ड क्या है, थर्ड स्टेज यानी तृतीय अवस्था, वेंचर कैपिटल, साहसी पूंजी। अब थर्ड में क्या करना होता है, थर्ड स्टेज में एंटरप्रेन्योर को कैपिटल लेके लाना होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कि आप कैपिटल कहाँ से लेकर लाओगे, लोन लाओगे, क्या आपको लोन मिल पाएगा, ठीक है, क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप अपने बिजनेस में लगा सको, ये सब क्या है कैपिटल के बारे में सोचना, यानी पूंजी कहाँ से लाओगे, सिंपल बात। अब क्या हमारा है फोर्थ स्टेज यानी चौथी अवस्था, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए उत्पाद का प्रस्तुतिकरण। सबसे रिस्क पॉइंट होता है ये, अगर आप कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो मार्केट में, तो दो चांस होती हैं, या तो आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बिकेगा या फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो एंटरप्रेन्योर को सोचना होता है कि क्या जो उसका प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग है, लोग खरीदेंगे लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में लाएगा ताकि लोग खरीदें, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है स्टेज यानी पांचवी अवस्था, पंचम अवस्था, सक्सेस और फेलियर, सफलता या सफलता। अब या तो बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बनेगा या फिर फेलियर बनेगा, ये दो चीज़ आती हैं आपके पास। हो सकता है कि आपका बिजनेस अचानक बंद करना पड़े, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है ना, गवर्नमेंट बोल देगी कि हाँ बिजनेस बंद करो। हो सकता है कि आपके लेबर अच्छे से काम ना करें, हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है वो अच्छे स्टैंडर्ड का ना हो, तो बिजनेस में इतने सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, हो सकता है कि उस प्रॉब्लम्स के चलते आपका बिजनेस बंद भी करना पड़े तो आप फेलियर हो जाओगे। एंड ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आप सक्सेस करोगे। तो ये भी चैलेंज है बिजनेसमैन के लिए कि क्या वो सक्सेसफुल बनेगा या फिर फेलियर बनेगा, ठीक है। अब क्या है फाइनल स्टेज यानी अंतिम अवस्था। अब इसमें क्या करता है वो बिजनेसमैन, ताकि उसका बिजनेस सक्सेसफुल बने, फेलियर ना हो, वो फेल ना हो, उसके लिए वो क्या करता है, सारे काम को अच्छे से बांट देता है कि हाँ ये काम तुम करोगे ये काम तुम करोगे। इससे क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क से काम आसानी से होता है, जल्दी होता है एंड आपका बिजनेस ढंग से चलेगा। तो फाइनल स्टेज क्या है, लास्ट में क्या करता है डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम का बंटवारा, ताकि आपका बिजनेस सही ढंग से चल पाए। ये था हमारा चैप्टर सिक्स का पार्ट सेकंड, यहाँ से आपका चैप्टर सिक्स कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। मैं एंटरप्रेन्योरशिप फिर लाऊंगी, बट उससे पहले या फिर BST या फिर इको, तो आप लोग कमेंट पर लिख के बताइए कि BST चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स चाहिए, मैं उसी का वीडियो पोस्ट करूंगी आगे, ठीक है, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं चलूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।